नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह ने बीजेपी को सख्त हिदायत दी है। जी हां, ये हिदायत उन्होंने बीजेपी के टिकट बांटने पर दी है। हम आपको बताना चाहेंगे, राज्यपाल कल्याण सिंह ने सतीश गौतम को उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने उनके आवास राज पैलेस पहुंचे तो सतीश गौतम को चौकीदारों ने अंदर नहीं घुसने दिया। कल्याण सिंह व उनके पुत्र राजू भैया उनसे नहीं मिले। गेट से ही गौतम को निराश होकर लौटना पड़ा। कल्याण सिंह के समर्थकों ने सतीश गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कल्याण सिंह लोध समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यूपी में इस समुदाय की आबादी तकरीबन 5-6% है। लोध समुदाय बीजेपी का एक प्रबल समर्थक और परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, इटावा, आंवला, बदायूं, इन क्षेत्रों में जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है। इस समुदाय के एकमात्र बड़े नेता होने की वजह से लोध समुदाय के लिए कल्याण सिंह की बातें और निर्देश बहुत अहमियत रखते हैं। लिहाजा कल्याण सिंह की नाराजगी या सहमति का संदेश वोटरों से दूर तक जाता है। हालांकि संवैधानिक पद पर होने की वजह से कल्याण सिंह अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। बता दें कि सतीश गौतम अलीगढ़ के गोंडा के इलाके के रहने वाले हैं। सतीश गौतम ने नोएडा में राजनीति की है। बीजेपी में कई पदों पर रहने के बाद 2014 में पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया था। 2014 में मोदी लहर में सतीश गौतम ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। माना जाता है कि सतीश गौतम को कल्याण सिंह का समर्थन हासिल था, लेकिन पिछले 5 सालों में हालात बदले हैं। दोनों नेताओं के बीच पैदा हुई दूरियों के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि सतीश गौतम का पत्ता इस बार कट सकता है, लेकिन संगठन से नजदीकी कायम रख सतीश गौतम एक बार फिर से सांसदी का टिकट लेने में कामयाब रहे। सतीश गौतम की उम्मीदवारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कुछ नेता कल्याण सिंह के घर पहुंचे। कार्यकर्ताओं की आवाज सुन कल्याण सिंह घर से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं को पहले होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने उनकी भावनाओं को समझ लिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की आलाकमान राज्यपाल कल्याण सिंह की हिदायत पर क्या विचार करती है। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो लोग HCN न्यूज को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।